मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बड़ा बदलाव लिया है। आने वाले दिनों में राज्य के 31 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किए हैं। इनमें से 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की गई है। मौसम में हो रहे इस बड़े बदलाव की वजह बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से और ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में बने लो प्रेशर एरिया है। इसके साथ ही तेलंगाना के पास उल्टी दिशाओं से आ रही हवाओं का असर भी मौसम पर दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पांडुर्णा, बैतूल, सिवनी, बुरहानपुर, धार, खरगोन, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बालाघाट, सीहोर, खंडवा, मंडला, झाबुआ, छिंदवाड़ा, इंदौर, देवास, रतलाम और उज्जैन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सागर, राजगढ़, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, जबलपुर, हरदा, कटनी, शाजापुर, डिंडौरी, आगरमालवा, शहडोल, रीवा और अनूपपुर जैसे जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं। चौबीस सितंबर को राज्य के कई जिलों में बारिश हुई, जिससे मौसम में एक ताजगी आई। जबलपुर में 0.1 मिलीमीटर, सिवनी में 62 मिलीमीटर, इंदौर और धार में 0.2 मिलीमीटर, मंडला में 45 मिलीमीटर, रीवा में 2 मिलीमीटर, उमरिया में 19 मिलीमीटर, खंडवा में 6 मिलीमीटर और छिंदवाड़ा में 17 मिलीमीटर पानी गिरा। खासकर खंडवा जिले में बारिश काफी एक्टिव है। यहां 23 सितंबर को 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई और 24 सितंबर को भी तेज बारिश के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 सितंबर को भी 1 इंच तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। खंडवा जिले में बारिश से खेती पर भी असर पड़ा है। इस सीजन में औसत बारिश का आंकड़ा 808 मिलीमीटर है, जबकि अब तक खंडवा में 861.0 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले साल इसी समय में खंडवा में 879.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल भी अच्छी बारिश हुई है। इससे किसानों को फायदा मिलेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 28 सितंबर तक मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने फसलों का ध्यान रखें और जरूरत के अनुसार तैयारियां करें। सतर्कता बेहद जरूरी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ज्यादा बारिश की संभावना है। तेज बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने से जानमाल का नुकसान न हो, इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। मौसम की इस गतिविधि के साथ बाढ़, भूस्खलन और बाकी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस साल की मानसून गतिविधियों ने मध्य प्रदेश के किसानों और स्थानीय निवासियों को राहत दी है, लेकिन इस मौसम के दौरान सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बारिश की वजह से संभावित बाढ़, भूस्खलन और बाकी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां बारिश कृषि के लिए फायदेमंद है, वहीं दूसरी ओर इसके संभावित खतरे को भी ध्यान में रखना होगा।